अब अपना गैलरी ओपन कीजिए और गैलरी ओपन करने के बाद अपना एक फ़ोटो सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि आप देख लीजिए मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट किया है, इसको मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। और ये देखिए मैंने शेयर स्नैपशीट पे कर दिया। और स्नैपशीट पे जाने के बाद आप लोगों को पेन पे क्लिक करना है और ब्राइटनेस जो है इसको थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। ब्राइटनेस बढ़ाने का कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सही कर लीजिए और सैचुरेशन को पूरा कर लीजिए। सैचुरेशन पूरा करने के बाद और ये एम्बियंस को भी थोड़ा रख दीजिए और हाईलाइट भी थोड़ा कर दीजिए, शेडोज को भी थोड़ा बढ़ा दीजिए और वार्म को थोड़ा कमा लीजिए माइनस, ठीक है। अभी इसको राइट पे क्लिक करने के बाद व्यू रिपोर्ट्स पे जाइए और एडिट्स पे जाने के बाद टूल्स पे जाइए और ब्रश को सिलेक्ट करके अपना चेहरे पे ब्रश को लगाइए। ब्रश लगाने के बाद अपना मुंह पर ब्रश कीजिए और मुंह पहले जैसा था वैसा ही हो जाएगा। वैसा होने के बाद अच्छे से अपने पूरा शरीर को क्या करना है, ब्रश करना है, ठीक है। समझ आए ना आप लोग? तो ब्रश को सिलेक्ट कर ब्रश करने के बाद हाँ अपना पैर भी अच्छे से ब्रश कर लेना, जितना अभी स्किन एरिया है उसको ही ब्रश करना है, बाकी कपड़े को नहीं करना है, ठीक है। अभी सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, पेन पे सिलेक्ट करना है और ये सिलेक्टिव को चूज़ करना है। सिलेक्ट को चूज़ करने के बाद अपना चेहरे पर सिलेक्टिव को रख के ब्राइटनेस को बढ़ाना है और स्ट्रक्चर को थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है, और सैचुरेशन भी थोड़ा। फिर अपने हाथ में सिलेक्ट कीजिए और ये हाथ में सिलेक्ट करने के बाद इसका भी ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लीजिए और साथ ही साथ दूसरे हाथ को भी बढ़ा लीजिए। दूसरे हाथ भी बढ़ाने के बाद अपना जो सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा लीजिए। और अभी क्या करना है आपको, अपने करने के बाद आपको पैर का कलर सही करना है, ठीक है। पैर का कलर सही करने के बाद आप अभी अपना पैंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और पैंट को सिलेक्ट करने के बाद अपना जो सिचुएशन है सिचुएशन को बढ़ा लीजिए ताकि वो आपका पैंट जो है उसका कलर कुछ डार्क जैसा हो जाए। आपको कमाना नहीं, बढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ बढ़ाना है, सिचुएशन को बढ़ाना है। और ब्राइटनेस भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए और स्ट्रक्चर को भी देख लीजिए। ये देखिए अभी मैला हो चुका है लेकिन मैं इसको स्टिक करने वाला हूँ क्योंकि सिचुएशन ही सबसे बड़ा फायदा होता है। सिचुएशन का फायदा होता है कि आप अपने को डार्क और ब्लैक ही कुछ भी कर सकते हो। अभी टी शर्ट को मैं कर रहा हूँ, टी शर्ट का कलर कुछ सुंदर सा करने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हो पैंट का कलर सही हो चुका है। अभी मैं अपने टी शर्ट का कलर चेक कर रहा हूँ और इसको होने के बाद मैं राइट पे क्लिक करके अभी ये देखिए डिफरेंस कितना है, ये पहला था और अभी ऐसा हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। तो अभी मेरे को क्या करना है, विंटेज को सिलेक्ट करना है और विंटेज में 6 नंबर विंटेज को सिलेक्ट करके अब अपना ब्राइटनेस को थोड़ा कमा दीजिए ताकि वो थोड़ा सा ब्लैक ही लगे। सिचुएशन को भी थोड़ा सा क्या करना है, 20 या ऐसे कुछ रहना है। स्टाइल चेंज को भी थोड़ा देख लीजिए और ये विंटेज स्ट्रेंथ को 61 पे रखना है, ठीक है। अभी आपको व्यू रिवर्स पे जाना है और विंटेज के ब्रश को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपका जो शरीर है शरीर को और ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद आपका जो शरीर है वो पूरा सुंदर होने लगे और परिष्कार होने लगेगा। और ये है मॉडल का शरीर, आप देख सकते हैं बिल्कुल सफ़ेद हो रहा है। और सफ़ेद अच्छे से कीजिए, बाहर के एरिया को मत कीजिए, सिर्फ शरीर के एरिया को कीजिए ताकि आपका मॉडल अच्छा दिखने लगे। और पैंट को भी थोड़ा थोड़ा खेल लीजिए। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं बड़ी सफाई से कर रहा हूँ। तो आप धीरे धीरे कीजिए अगर नए हो तो। और इसको करने के बाद थोड़ा थोड़ा बाकी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, आप अच्छे से कीजिएगा, मैं इतना अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी राइट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए डिफरेंस, पहले ऐसा था अब ऐसा हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, आपको ब्लड इफेक्ट पे अगर कुछ करना है तो ब्लड इफेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो ब्लड मत कीजिए। ब्लड करने से क्या होता है, थोड़ा तो सुंदर लगता है लेकिन ब्लड नहीं करने से भी चलेगा। और अभी ऐसे सेव कर दीजिए आप अपने फोटो को, तब ठीक हो जाएगा।